बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। व्यूअर्स, जैसा कि हम 10th क्लास मैथ का चैप्टर नंबर 4 कर रहे हैं, जिसकी एक्सरसाइज 4.4 हमने स्टार्ट की है, और इसका आज हम क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे, जिसमें कि सब्ट्रैक्ट, नीचे एक्सप्रेशन दिए गए हैं तीन, जिन्हें हमें सब्ट्रैक्ट करना है, ठीक है, एक दूसरे से। मतलब कि ये जो दिया गया है, इसमें से ये फ्रॉम के बाद जो दिया गया है एक्सप्रेशन, ये हमें सब्ट्रैक्ट करना है। तो आइए करते हैं इसे जी। तो इसका नंबर 1 मैंने यहाँ पे लिखा है, तो इससे, इस पहले एक्सप्रेशन में से ये फ्रॉम के बाद जो है ये हमें सब्ट्रैक्ट करना है। तो फर्स्ट हम ये लिखेंगे, ये फ्रॉम के बाद है ना, फर्स्ट ये लिखेंगे, यहाँ पे लिखते हैं 6x² और माइनस का 3x⁵ प्लस का 2x⁴ और प्लस का 3x³ और प्लस का 6। उसके बाद यहाँ से ये रखेंगे, ये है 4x⁴। अब देखें, जो जिसमें वेरिएबल का पावर सेम होगा वो उसके नीचे रखेंगे। तो ये 4x⁵ यहाँ पे नहीं रखेंगे, यहाँ पे रखेंगे 4x⁵ और 6x² का क्या लाइक टर्म है, माइनस का 6x² माइनस का 6x² ये है, ठीक है। ये प्लस का 6x² था और यहाँ पे माइनस का 6x² है, और प्लस का 2x⁴ है। तो क्या रखेंगे यहाँ से, प्लस का x⁴, क्योंकि इनके वेरिएबल भी सेम है और इनके पावर भी सेम है, तो ये एक दूसरे के नीचे रखेंगे। और उसके बाद प्लस का 3x³ है, तो यहाँ पे माइनस का 3x³ है, ठीक है। और उसके बाद प्लस का 6 है, तो यहाँ पे देखेंगे कोई कांस्टेंट नंबर, तो यहाँ पे कोई कांस्टेंट नंबर नहीं है, तो करते हैं इसे। अब सब्ट्रैक्शन में क्या है कि जहाँ पे प्लस माइनस की साइन होगी वहाँ पे हम प्लस की साइन दे देंगे, और जहाँ पे माइनस की साइन होगी वहाँ पे प्लस दे देंगे, और जहाँ पे प्लस की साइन होगी वहाँ पे माइनस दे देंगे। तो यहाँ पे ये जो है माइनस की साइन है, तो यहाँ पे प्लस लगा देंगे, और यहाँ पे प्लस की साइन है तो माइनस दे देंगे, और यहाँ पे ये प्लस की साइन है तो माइनस दे देंगे, और यहाँ पे माइनस की साइन है तो प्लस दे देंगे, और यहाँ पे प्लस की साइन है तो माइनस दे देंगे। इसी तरह हम साइन चेंज करते हैं। अब ये साइन हम काउंट करेंगे, ठीक है। अब 6x² है प्लस का, और यहाँ पे प्लस का 6x² है, तो ये क्या हो जाएगा, दोनों ऐड करेंगे तो 12x² हो जाएगा, ठीक है। ये माइनस का 3x⁴ है, और यहाँ पे माइनस का 4x⁵ है, तो ये माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है, ठीक है, साइन माइनस की लगेगी। तो 3 में 4 ऐड करेंगे तो क्या होगा, 3 में 4 ऐड करेंगे तो 7 होगा, और x⁵ हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे प्लस है और यहाँ पे ये माइनस है, ठीक है, प्लस माइनस माइनस होगा, तो 2x⁴ में से x⁴ माइनस करेंगे तो क्या बचेगा, प्लस का x⁴ बचेगा, साइन जो है बड़े नंबर की लगाएंगे। और यहाँ पे प्लस है और यहाँ पे भी प्लस है, ठीक है, तो प्लस 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 होगा 3x³, और प्लस करेंगे 3x³, तो प्लस का क्या होगा, 6x³। और उसके बाद यहाँ पे ये प्लस का 6x है, प्लस का 6 है, तो साइन हमने चेंज की थी, तो यहाँ पे माइनस का 6 बचेगा, तो ये आ गया इसका आंसर जी। तो यहाँ पे जो है साइन की गलती हो गई है, ये देखिए, ये जो है अगर दूसरा टर्म होता इसके नीचे तो उसकी साइन चेंज होगी, लेकिन यहाँ पे साइन चेंज नहीं होगी, तो यहाँ पे हम प्लस का 6 ही रखेंगे, ठीक है। तो आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ जी। तो मैंने यहाँ पे इसका पार्ट नंबर 2 लिखा है, जिसमें कि 8⁴ माइनस 7a³b प्लस 6a³b प्लस 5ab³ प्लस 6b⁴ सब्ट्रैक्ट, ये किससे सब्ट्रैक्ट करना है, ये 5a³ से, और प्लस 6b⁴ माइनस 8⁴ प्लस 7a³ माइनस 8a²b² प्लस 7। तो पहले हम इससे सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो पहले ये रखेंगे, पहले रखेंगे 5a³ जी। तो मैंने यहाँ पे रख दिया है, और उसके बाद हम यहाँ से ये टर्म लेंगे, जो जिसमें जो है वेरिएबल
और वेरिएबल की पावर सेम होगी वो उसके नीचे रखेंगे, ठीक है। यहाँ पे 5ab³ है, तो इसका यहाँ पे देखेंगे तो ये प्लस का 5ab³ है, तो ये प्लस का 5ab³ रखेंगे, ठीक है, प्लस का 5ab³। और उसके बाद प्लस का 6b⁴ है, तो यहाँ पे देखेंगे तो प्लस का 6b⁴ है, यहाँ पे भी तो प्लस का 6b⁴ लिखेंगे। और उसके बाद माइनस का a⁴ है, तो यहाँ पे प्लस का a⁴ है, तो a⁴ प्लस का लिखेंगे। और प्लस का 7a³b है, तो यहाँ पे प्लस का 6a³b है, तो ये रखेंगे प्लस का 6a³b रखेंगे। और यहाँ पे माइनस का 8a²b² है, तो यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे इसका एक जैसा कोई टर्म नहीं, तो ये वैसे ही रखेंगे। और उसके बाद यहाँ पे प्लस का 7 है, तो प्लस के 7 का यानी यहाँ पे कोई कांस्टेंट नहीं, तो हम इसको भी छोड़ देंगे। तो अब इसे हम सबट्रैक्ट करेंगे, पहले हम इनकी साइन चेंज करेंगे, जहाँ पे प्लस है वहाँ पे माइनस दे देंगे और जहाँ पे माइनस है वहाँ पे प्लस दे देंगे, ठीक है। तो ये सारे जो हैं प्लस की साइन है, तो माइनस हमने माइनस में चेंज कर दिया, ये दोनों साइन चेंज नहीं होगी। अब ये प्लस का 5ab³ है और ये माइनस का 5ab³ है, तो ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे, क्योंकि प्लस माइनस होता है, प्लस माइनस माइनस होता है। और यहाँ पे प्लस का 6b⁴ है और यहाँ पे माइनस का 6b⁴ है, तो ये भी आपस में कैंसिल हो जाएंगे। और यहाँ पे माइनस का a⁴ है और यहाँ पे माइनस का a⁴ है, तो माइनस माइनस ये प्लस होता है, तो साइन में माइनस की लगेगी, a⁴ दो आपस में ऐड करेंगे तो क्या होगी, 2a⁴ होंगी, ठीक है। यहाँ पे प्लस का 7a³b है और यहाँ पे माइनस का 6a³b है, तो प्लस माइनस माइनस होता है, 7 में से 6 माइनस करेंगे तो क्या बचेगा, प्लस का क्या बचेगा, a³b बचेगा, ठीक है, मतलब कि इसके साथ 1 है। और उसके बाद ये माइनस का 8a² और b² वैसे रख देंगे और प्लस का यहाँ पे 7 वैसे रख देंगे। तो व्यूज ये आ गया इसका आंसर। तो ये थी आज की एक्सरसाइज, उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। अगले वीडियो के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।